हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बालों का टूटना, बालों का झड़ना और उनका टाइम से पहले ही सफ़ेद हो जाना, पतला और बेजान हो जाना, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक देसी होममेड और नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी आपके बालों के लिए। हर तरह से ये वर्क करेगी। आप चाहे लड़के हो या लड़की, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनी है। घर की ही चीज़ों से हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो नुकसान होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो कांच की बॉटल में, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। ये रेमेडी आपके बालों को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगी। ये आपके बालों का झड़ना बंद करके उनको जड़ से मजबूत करेगी और नए बाल उगाने में काफ़ी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ ये आपके बालों को लंबा, काला, घना भी बनाएगी और जड़ से मजबूत रहेंगे आपके बाल, एकदम हेल्दी रहेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक जो देखें स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रॉपर समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जिंजर यानी कि अदरक। अदरक हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी हेल्प तो करता ही है और साथ ही साथ आपके बालों को जड़ से मजबूत भी बनाता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने लेना है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव वे से वर्क करता है और हमारे बालों में, हेयर रूट्स में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करता है जड़ से। ये हमारे बालों का झड़ना तो कम करता ही है, साथ ही साथ नए बाल उगाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने एक लहसुन को लेकर उसको छिलकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, इस तरह से देखिए। तो अब आपने क्या करना है, एक पैन में आपने एक कटोरी यानी कि 200 ml के अराउंड कोकोनट ऑयल डालना है यानी कि नारियल का तेल। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप तिल का तेल या तो फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में जो हमने अदरक काटी हुई थी वो इसमें ऐड करना है। ध्यान रखिए कि अभी हमारी ये गैस ऑफ है, अभी गैस ऑन नहीं की है हमने। सभी चीज़ें डालने के बाद उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी जल ना पाए। इसके बाद हमने क्या करना है, जो कि हमने लहसुन काटा हुआ था छोटे छोटे पीसेस में, वो भी इसमें डाल देंगे। अब जो हमने इसमें तीसरी चीज़ डालनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। ये भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत करके लंबा और काला करते हैं और साथ ही साथ बालों को लंबा बनाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मेथी दाना इसमें ऐड करना है। और अब लास्ट चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है कलौंजी यानी कि ब्लैक क्यूमन सीड्स। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि कलौंजी के कितने अच्छे फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए। यह हमारे बालों को काला बनाती है, घना बनाती है, उनका झड़ना बंद करती है और जहाँ पर भी बाल नहीं है वहाँ पर न्यू बाल लेके आती है, उगाती है नए बाल। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच कलौंजी ऐड करनी है। अब आपने इसको सिम गैस पर धीमी आंच पर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ध्यान रखिए कोई भी चीज़ हमारी चलनी नहीं चाहिए, इसे जलाना नहीं है, इसको ब्राउन होने तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है ताकि इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल में आ जाए और हमारा एक मैजिकल ऑयल, कमाल का ऑयल बन करके रेडी हो जाए। दोस्तों, अदरक, लहसुन, कलौंजी और मेथी दाना, ये चारों ही चीज़ें हमारे बालों पर नेचुरल वे से वर्क करती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आपने सिम गैस पे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से पका लेना है। इसको बीच बीच में हिलाते रहिए, बस इसको हल्का ब्राउन होने तक ही हमने इसको पकाना है और इसको जलाना नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ऑयल को बॉईल करके हमें अपने हेयर पर नहीं लगाना चाहिए, बालों पे नहीं लगाना चाहिए, इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो आप डबल बॉयलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, गैस ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो भी इसी तरह से काफ़ी इफ़ेक्टिव और असरदार होता है हमारे बालों के लिए।
ये देखिए दोस्तों, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। जो भी हमने चीज़ें इसमें डाली थी वो हल्के ब्राउन हो चुकी है, यानी कि हमारा ऑयल बन करके रेडी है। अब आपने क्या करना है, गैस ऑफ कर देनी है और इसको ढक के रख दीजिए ठंडा होने तक के लिए। कम से कम एक घंटा इसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद कुछ ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए। अब आपने किसी स्ट्रेनर के हेल्प से इसको छान लेना है, ऑयल और जो हमने इसमें डाला था उन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको इसमें से स्मेल आए तो आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। आप किसी कांच की बोतल में इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, तो कांच की बोतल का ही यूज़ करें और लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रखें और यूज़ करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने नहाने से एक घंटे पहले इसको लगाना है अपने बालों में और कोई भी हर्बल शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपने इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा लेना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट लगा के छोड़ दीजिए इसी तरह से, और नेक्स्ट डे वॉश कर लें किसी हर्बल शैम्पू से। मगर ध्यान रखें, जब आप रात में लगाओगे तो आप अपने पिलो में कोई पुराना कपड़ा रख लीजिए, नहीं तो आप अपने बालों को किसी पॉली बैग या फिर शावर कैप से कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका पिलो गंदा ना हो पाए। आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। जब आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करोगे ना, तो आपको काफ़ी जल्दी, सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव। बिलीव मी दोस्तों, ये काफ़ी नेचुरल रेमेडी है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं सभी नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, आपके बालों को जड़ काला, लंबा, घना और मजबूत बनाता है। तो इस ऑयल को आप जरूर ट्राई कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेमेडी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगी। आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए। और इस रेमेडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ ऐसे ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज शेयर करती रहूँगी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं अपडेट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे न्यू और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।